नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रद्युम्न राय, सुडो पैरा टेक से और एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और आ गया हूं लेके आपके लिए टेक न्यूज की नवी सीरीज। तो भैया स्वागत है आपका टेक न्यूज के इस नवी सीरीज में। तो आज भैया थोड़े टेक न्यूज कम है, लेकिन टेक न्यूज जो है इंटरेस्टिंग आपके लिए। तब तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर देना लाइक, नीचे कॉमेंट करो कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, और फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमारी टेक न्यूज आती है, वो भैया आती है जियो की तरफ से। तो भैया सबसे पहले जियो का जो भी टैरिफ प्लान था थोड़ा भी हाई कर दिया गया था, लेकिन ऐसे में न्यू ईयर आ रहा है 2020। तो भैया यहाँ पे कल क्या था, जियो का एक नया प्लान जिसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है, और भैया जो भी कॉल है वो अनलिमिटेड मिलती है, या फिर वो जियो टू जियो हो या फिर जियो टू नॉन जियो। तो भैया कॉल यहाँ पे मिलती है आपको अनलिमिटेड। करना क्या है, एक साल के लिए 2020 रुपीज का रिचार्ज कराना है, और एक साल के लिए आपको 1.5 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे, और आपको भैया जो कॉल्स हैं वो मिलेंगी फ्री, जियो हो या फिर जियो टू नॉन जियो हो। जो अगली न्यूज हमारी निकल के आती है भैया ऑनर V30 की तरफ से। तो भैया ऑनर ने अपना नया फोन जो लॉन्च किया V30, उसमें उसने ऐड किया ऑरेंज कलर वेरियंट, और देखते हैं भैया ऑरेंज कलर में ये फोन कैसा उभर के आता है। डिस्प्ले और कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको आगे पंचोल में डुअल कैमरा मिलता है, और पीछे क्वाड कैमरा का सपोर्ट मिलता है। जहाँ भैया प्रोसेसर जो यूज किया गया ऑनर में, वो भैया किरिन 99 SoC 7nm का प्रोसेसर यूज किया है। बैटरी आपको दी जा रही है 4200mAh की बैटरी, और भैया यहाँ 40 W के सुपर चार्जर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है फोन को चार्ज करने में। ऐसे में आप फोन को अपने बहुत जल्दी से चार्ज कर लेंगे, और फोन आपको भैया 2 वेरियंट में मिलेगा। यहाँ पे 6 GB मिलेगा और 128 GB के संग स्टोरेज, और दूसरा वेरियंट है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो ऐसे में देखते हुए आपके लिए कैसा फोन निकल के आता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो हमारी न्यूज निकल के आती है वो भी वीवो की तरफ से है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि MWC 2020 में सारे कंपनी अपने फोन जल्दी जल्दी पब्लिश करने में लगे हुए हैं, हालांकि इसमें वीवो भी पीछे नहीं है। वीवो ने अपने जो भी इवेंट है वो मीडियाज को इनविटेशन भेजते जा रहा है, और हालांकि यहाँ पे लीक ये निकल के आ रही है कि वीवो भैया 2020 में 23 फरवरी को अपने इवेंट में एक फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा। देखते हैं भैया वीवो के जो फोन आते हैं थोड़े बजट रेंज में आ जाते हैं, 28,000-26,000 तक के जाते हैं, और बाद में हो जाते हैं थोड़े सस्ते। तो उसमें देखते हैं भैया वीवो का जो फोल्डेबल फोन है वो कैसा निकल के आता है। हालांकि इसकी कुछ इमेजेस नहीं आई है, लेकिन ये लीक निकल के आई है कि वीवो फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकता है। तो भैया इसमें कोई दो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वीवो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहा है। जैसे कि पहले हमें डुअल डिस्प्ले देखने को मिला था, उसके बाद पॉप ऑफ वगैरह भी सब देखने को मिला था। इसमें देखते हैं वीवो कैसा करता है। जो न्यूज हमारी निकल के आती है भैया वो एयरटेल की तरफ से है। तो भैया एयरटेल जो भी यूज करते हैं थोड़ा सतर्क रहो यार, क्योंकि एयरटेल का जो भी डेटा ब्रीच होने से रह गया। डेटा ब्रीच बोले तो एक ऐप है एयरटेल का, उसके थ्रू 30 करोड़ यूजर्स के जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग देयर फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी, वो भैया लीक हो सकती थी। एयरटेल के जो ऐप है उसमें एक बग फाउंड किया गया था, और उस बग में ये निकलता था कि किसी का अगर मोबाइल नंबर हम इनपुट करते तो वहां पे तो भैया जो भी कस्टमर है ग्राहक की पूरी जानकारी लिस्ट निकल के सामने आती थी, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर या वो ईमेल एड्रेस, और या भैया उसका कोई परमानेंट एड्रेस या फिर उसका होम एड्रेस। तो भैया ऐसे में थोड़ा सुरक्षा के संग रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक नंबर को इनपुट करता है उससे उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। तो भैया सबके लिए प्राइवेसी यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करता है, और सबसे बड़ी चीज वहाँ पे IMEI नंबर भी बाहर निकल के आ जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक अनसिक्योर होता है और इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे फोन्स का IMEI नंबर डिफरेंट होता है, और IMEI नंबर की तरफ से फोन को ट्रेस किया जाता है, या फोन किसी का चोरी होता है तो उसको सबमिट किया जाता है। तो भैया IMEI नंबर किसी को शेयर ना करें। अगली जो न्यूज निकल के आती है वो भैया आती है OnePlus रेड केबल की तरफ से। तो भैया OnePlus का एक नया प्रोग्राम है रेड केबल क्लब फैन, और भैया यहाँ पे क्लब प्रोग्राम में आप इसके जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जिसके थ्रू अगर आप OnePlus के जो बुलेट वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन है वहाँ पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, और बैटरी अगर आपको रिमूव करानी है तो वहाँ करा सकते हैं। अपने प्लान्स को अगर आगे अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद आपको 50 GB क्लाउड पे फ्री स्टोरेज मिलेगी, और भैया वहाँ पे आप 1,00,000 के इनाम तक जीत सकते हो OnePlus के थ्रू। तो भैया ये थी रेट केबल, अगर आप ज्वाइन करते हो तो, अगर आप OnePlus हैं तो भैया इस ऑफर को जरूर देख लें। मैं न्यूज़ जो निकल के आती है वो भैया सैमसंग गैलेक्सी वॉच 2 एक्टिव 2 4G के तरफ से। तो भैया सैमसंग का जो गैलेक्सी वॉच है एक्टिव 2 4G वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया इंडिया में, और यहाँ पे भैया कीमत रखी गई है 35,990 रुपया, मिला जुला के मतलब 40,000 रुपए की कीमत रखी गई है। और इस वॉच में आप इसको फिटनेस ट्रैकर की तरह यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच की तरह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भैया आपको वॉकिंग की, रनिंग की, साइकिलिंग की, रोइंग, फिर ट्रेनिंग की, और बाई जो भी आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो उसकी भैया वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी, और ये मॉनिटर अपडेट रोज आपको अपडेट आपके ऐप के थ्रू और आपके वॉच के थ्रू मिलती रहेगी। तो भैया आप फिटनेस की बात करें तो भैया सैमसंग गैलेक्सी इसका यूज करके आप कर सकते हैं,
जहाँ आपकी अगर फोन का कंपैटिबिलिटी की बात करें तो भैया ये बहुत हाई रेंज फोन्स में भी आराम से कंपैटिबल हो जाएगा। जिसकी बात करें आईफोन एक्सेस की, हुआवे मेट 20 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S10, तो भैया यहाँ पे ये हो सकता है कंपैटिबल इन सो से। और लॉन्च कर दिया गया भैया इसको ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, रसिया, साउथ कोरिया, ब्रिटेन एंड US में। तो भैया देखते हैं ये कैसा करके निकल के आता है। हालांकि अब स्मार्ट वॉच के भी कैटेगरीज में जल्दी जल्दी लोग अपने नए नए कंपनीज अपने अपने स्मार्ट वॉच ऐड करती जा रही है, तो देखते हैं भैया ये कैसा निकल के आता है। अगली जो नई न्यूज निकल के आती है वो भैया आती है सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरफ से। तो भैया वो दावा करता है कि हम सबसे ज़्यादा ऑफर करते हैं फास्टेस्ट डाउनलोड स्पीड। और भैया वो Q3 में उन्होंने दावा किया है 2019 में कि भैया ओकला ने ये बोला है कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड स्पीड है, फास्टेस्ट स्पीड है वो भैया सैमसंग गैलेक्सी S10 का, जहाँ पे भैया वो वेरी करता है 18.6 Mbps से लेके 19.96 Mbps में। कनाडा की ये बात कर गई है और इंडिया में भैया 18.6 Mbps तक की स्पीड ये सपोर्ट कर रहा है। तो देखते हैं ऐसे में ये कैसा फ़ोन निकल के आता है। हालांकि अब धीरे धीरे प्लान्स इंक्रीज हो रहे हैं और लोगों के जो फ़ोन है कंप्यूटर से ज़्यादा थोड़े थोड़े एडवांस हो रहे हैं, क्योंकि बैंडविड्थ जो एक मेन है वो फ़ोन ज़्यादा खा रहे हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर में एक मिड रेंज में जो आता है। तो ऐसे में आप हमको बताइए कि आपकी हाईएस्ट डाउनलोडिंग स्पीड फ़ोन की कितनी गई है। अगली जो न्यूज़ हमारी निकल के आती है वो भैया आती है ओला की तरफ से। तो भैया ओला एक नया AI इनेबल्ड रियल राइड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर रहा है भैया, जिसमें आप किसी अपने बच्चे को या खुद किसी पेरेंट्स को जो कि लाइक शहर में नए हैं या फिर आप उनको कहीं दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत बार चिंता होती है वो कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। तो भैया इस AI का यूज़ करके आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो भैया अपनी लोकेशन, वो कैब किस दिशा में जा रही है। और हालांकि ऐसे जो नए नए फीचर आते हैं भैया कैब्स में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है भैया कि कैब ड्राइवर आपको सही जगह ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। तो ऐसे में देखते हैं ये फीचर कैसा उभर के आता है, और अगर ऐसी कोई फीचर से अगर आप जानते हैं रूबरू रखते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगली जो न्यूज़ हमारी निकल के आती है वो भैया आती है 23 साल के इंडियन हैकर की तरफ से। तो भैया जो बग बाउंटी में धीरे धीरे अपने लाइक पैर जमा रहे हैं, और भैया उनका ये मानना है कि वो हफ्ते में ज्यादा ज्यादा 25 घंटे देते हैं, 25 घंटे हफ्ते में देते हैं और बग बाउंटी से अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और बग्स निकालते हैं। हालांकि उनको थोड़ी प्रोग्रामिंग उसके लिए पढ़नी पड़ी और उसके बाद कुछ कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज थे उनको करने पड़े। तो भैया ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स करना तो नीचे एक लिंक दिया गया है लर्न हैकिंग, वहाँ पे जाके आप फ्री में हैकिंग सीख सकते हैं, सुडो पैरा टेक से। और भैया ऐसे में अगर आप बग बाउंटी में भी करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है कैसे आप बग ढूंढ सकते हैं, कैसे आप भैया कौन कौन से टूल यूज करके किसी वेबसाइट के बग ढूंढ सकते हैं। तो भैया नीचे लिंक जरूर चेक करिएगा। ये थी कुछ टेक न्यूज़। हालांकि आज कुछ ज्यादा टेक न्यूज़ नहीं आ पाई थी तो उतने बहुत कम टेक न्यूज़ आपको डिलीवर कर पाया मैं। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और अगर हैकिंग सीखनी है तो नीचे लिंक पर जरूर क्लिक करें, वहां पर आपको फ्री में हैकिंग की जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तब तक के लिए भैया स्टे सेफ, स्टे सिक्योर ऑन इंटरनेट।